आप देख रहे हैं एटीवी हरियाणा, मैं हूं आपके साथ मुस्तफा खान। जिले भर में सरपंच पद के जो चुनाव हुए हैं, कार्यवाही जो सरपंच के तौर पर जो चुनाव हुए हैं, पंचों की सहमति से ये चुनाव हुए हैं। पूरे जिले में मैं कहूं तो दर्जन भर ऐसे गांव होंगे जिनमें ये चुनाव संपन्न हुए हैं। उनमें एक मल्हा का गाँव भी शामिल है जो कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फर्जी दस्तावेज से आपसे पहले का जो सरपंच इस गाँव का रहा है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। शायद ही मेवात का ये ऐसा गांव है जिसका मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और कागजी कार्रवाई में कई साल बीत चुके हैं इस कार्रवाई को चलते चलते। उसके बाद में कार्रवाई के तौर पर वीडियो कार्यालय पुनहाना में मल्हा का गांव का ये चुनाव सरपंच का जो संपन्न हुआ, पांच पंचों की सहमति से ये युवा जो हमारे साथ बैठे हैं स्टूडियो में, इनको जो है सरपंच पद की जो जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एटीवी हरियाणा की तरफ से कि आपको सरपंच पद की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सरपंच साहब और किस तरीके से आपको जो जिम्मेदारी सरपंच पद की सौंपी गई है और आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है? जी, नाम है जीशान जी। जी, पुरानी सरपंच थी हीना बेगम जी। शैक्षण योग्यता नहीं थी जी। और उसको केस चला था जी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जी, तो तीनों जगह से फारिग हो गई जी, कैंसिल कर दी कोर्ट में। अच्छा, उस जो चुनाव लड़ा था फर्जी दस्तावेज उसमें यूज करे थे उसने? हाँ जी, यूज करे थे जी। फिर कोर्ट ने उसको दोषी मान लिया है? हाँ, दोषी मान लिया जी, खत्म कर दी कोर्ट ने जी। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट तक गया था जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म कर दिया जी। अच्छा। और फिर जी मेम्बरों का चुनाव हुआ था जी, फिर उसमें मुझे चुना गया था जी पुनहाना ब्लॉक में। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल जी। अच्छा, इस छोटी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या इस छोटी सी उम्र में जो जिम्मेदारी आपको गांव के जो आपको ताज जो सौंपा गया है, आप जी इस उम्र में इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे क्या? इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा जी। इससे पहले तो आपको कहीं नॉलेज भी नहीं होगी कि सरपंच पद क्या होता है, किस तरीके से सरपंच एक काम करता है गाँव के विकास के लिए? आज नहीं थे जी, अब धीरे धीरे हो जाएगी, सब नॉलेज हो जाएगी। हाँ, सब नॉलेज हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, आपको जिम्मेदारी दी है सरपंच पद, किस तरीके से गांव का विकास कराया जाएगा और क्या रणनीति होंगी आपकी तरफ से? सब भाई संग मिल बैठ के इंशाल्लाह बढ़िया काम करेंगे जी। हाँ, तो इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है? जी, बहुत बड़ी बात है जी, इस सरपंच को अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, पूरे घर हो आपको सरपंच पद के जो है जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है? हाँ जी, पूरे घर। कितने दिन से आप जो है दूसरे जो आपसे पहले के सरपंच थे उनसे कागजी कार्रवाई को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कितने साल इस संघर्ष में बीत गए? 4 साल बीत गए जी। 4 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे थे? हाँ जी, 4 साल से कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे थे। अच्छा, आप जाके आपको काम मिली है, आपको सरपंच पद की जिम्मेदारी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके आपसे पहले के जो सरपंच रहा है, किस तरीके से गांव में विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल में? जी, उसने तो जी 40-50 लाख को गबन करो जी, गांव में कुछ काम ही ना कराए जी, सब गांव का रास्ता बिल्कुल खराब हुए, पानी भरो पड़ो चोकर घान जी, पूरे रास्ता खराब है जी। अच्छा, गांव के आपसे पहले के जो सरपंच थे मेरे ख्याल से महिला सरपंच ही ना ही ना बैगम, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? नहीं किया जी, उसने कोई विकास नहीं किया, पैसा निकाल के फरार हो गई। अच्छा, आप क्या कराएंगे अपने कार्यकाल में? जी, बढ़िया काम कराएंगे जी, रास्ता बनवाएंगे जी और गांव की जो मूलभूत सुविधा उन पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जीशान जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे कि आपने कहा कि गांव के मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें जैसे रास्ते हो गए, सड़कें हो गई, गांव की गलियां हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, क्या इन सबको जो है गांव को इन सब की सुविधा मिल पाएगी? इंशाल्लाह पूरा प्रयास जी हमारा मिले के मिल जाएगी। देखिए, ये मल्हा का गांव के जो कार्रवाई के सरपंच के तौर पर जो चुने गए हैं जीशान जी हमारे साथ थे, 26 साल की इनकी उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में इनको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पांच पंचों की सहमति से इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जीशान जी को
छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतर पाते हैं? क्या जिस तरीके से इससे पहले का जो सरपंच रहा है उसकी जो कमियां रही हैं विकास कार्यों को लेकर, गांव की गलियां नालियां सड़कों को लेकर जिस तरीके से विकास नहीं हुआ, क्या ये अपने कार्यकाल में इस तरह के विकास को से गाँव को चमका पाएंगे या नहीं? जो चाचा के लड़के हैं जीशान जी, उनको सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले तो मैं ईटीवी हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारे जो आम चुनाव हुए थे 17/1/2016 में जी, पंचायत जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं और जो एक अदर कैंडिडेट थी हीना बेगम जो इलेक्टेड हुई थी, जो उसकी जो शैक्षणिक योग्यता थी और उसकी जो आयु थी वो कम थी और वो 8वीं पास भी नहीं थी, उसको लेकर मैंने एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसके बाद उस सिविल कोर्ट ने उसको उसके चुनाव को रद्द कर दिया। उसके बाद उपायुक्त महोदय ने भी उसका चुनाव को रद्द कर दिया था और उसको कार्यवाहक सरपंच चुनाव करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन वो जो हीना बेगम थी वो वहाँ उसने हाई कोर्ट की शरण ले ली, वहाँ से वो सीटें हो गया, सीटें के अगेंस्ट वहाँ एक लंबी प्रक्रिया चली, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी उसको इलेक्शन को खारिज कर दिया, उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक साथ 2019 में ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसके बाद डी साहब का आदेश थे कि भाई वैकेंट पोस्ट है, पंचायत काम चलाना पड़ेगा, तो उसके बाद रोक लगी हुई थी, रुकावट आ रही थी, काफ़ी बाधाएं आ रही थी, लोग आधार कार्ड बनाने तक समस्याओं को जूझना पड़ रहा था बहुत, और जो गांव की जो मूलभूत सुविधाएं रास्ते भी हमारे आपने देखे होंगे बहुत ख़राब हैं। अच्छा, अब आप सरपंच जो पद की जो जिम्मेदारी है आपके पक्ष की तरफ आ गई है, यानी कि आपके जो चाचा के लड़के हैं जीशान जी, उनको सरपंच की जिम्मेदारी पांच पंचों की सहमति से सौंपी गई है, तो क्या लग रहा है आपको किस तरीके से गांव के विकास को गति दी जाएगी? मैं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इंशाल्लाह गांव के विकास गति देंगे और जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव की उसको सब मिलकर पंच पूरी सहमति से मिल बैठकर, और जो प्रशासन है जो भी डिपार्टमेंटली काम है उससे मिलकर हम पूरे कराएंगे गांव का विकास जो भी। क्या मल्ला का गांव के लोगों को पक्की नालियां मिलेंगी, पक्के रास्ते मिलेंगे, रात के समय लाइटें मिलेंगी गांव में? हाँ इंशाल्लाह पक्के रास्ते, लाइट और पानी की सुविधा मिलेंगी। तो ये इकरामुल हसन जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, पूरे मामले को बड़ी बारीकी से देखा, हर जगह इन्हीं के नाम से शिकायतबाजी हुई, जिन्होंने अपनी जो है उसमें सफ़र में कामयाबी हासिल कर अपने चाचा के लड़के जीशान जी को सरपंच की जो कार्रवाई के तौर पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको लेकर इन्होंने बड़े संघर्ष किया, वो सब जानकारी इन्होंने अपनी जबान से बयां की एटीवी हरियाणा के सामने। लगातार आप देखते रहिए एटीवी हरियाणा। एटीवी हरियाणा आपको लगातार ऐसी ही खबरों से अवगत कराते रहेगा, समस्या से लेकर हर खबर तक हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एटीवी हरियाणा।